ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक और हाईकोर्ट जाने के आदेश के बाद हिंदू और मुस्लिम पक्ष आज हाईकोर्ट भी पहुंच गए। 1919 से शुरू हुआ विवाद आज भी जारी है। इस दौरान कई याचिकाएं दायर की गई, कई बार मामला जिला कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी थी। इस दौरान मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने का मौका दिया गया, जिसके बाद आज मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में रीट पिटीशन दाखिल कर दी है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है और कल यानी कि 26 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एएसआई सर्वे पर वाराणसी कोर्ट के फैसले पर सुनवाई होगी। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे के आदेश दिए थे, अब हाईकोर्ट में सर्वे की सुनवाई पर नई बेंच का गठन किया गया है। जस्टिस जयंत बैनर्जी की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई होगी। इससे पहले वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को ज्ञानवापी परिसर में एएसआई की टीम ने सर्वे का काम शुरू कर दिया। इस दौरान एएसआई की 4 टीमों ने अलग अलग जगहों पर सर्वे किया। एएसआई की टीम में पश्चिमी दीवार के पास गुंबदों का सर्वे, मस्जिद के चबूतरों का और परिसर तक का सर्वे किया गया और ये सर्वे करीब 4 घंटे तक चला। हालांकि मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे को रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद इस सर्वे पर रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी है। वहीं ऐसे में 26 जुलाई की शाम तक हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।